बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सास बहू में बहुत बहुत वेलकम। आज है हमारे घर टिक्का बोटी की पार्टी और आज शाम में बनेंगे ये, लेकिन हम मैरिनेशन अभी कर दे रहे हैं। अभी तकरीबन 2 बज रहे हैं दिन का और हम अभी मैरिनेट करके रख देंगे तो ताकि शाम में हमारे अच्छे से ये टिक्का बोटी वो बन जाए। और हम टिक्का बोटी बनाने वाले हैं आज। और क्या बनाने वाले? टिक्का बोटी, सीख कबाब। हाँ, और जो है ना इसके साथ डिप मायो सॉस बनाएंगे, चटनी बनाएंगे और रोटियां बनाएंगे। रात के डिनर में आज टिक्का बोटी ही खाने वाले हैं। मज़ा आएगा आज फिर। हाँ, बहुत मज़ा आएगा। इसके लिए हमने लिए हैं तकरीबन 2 से 2.5 किलो गोश। इस तरह की छोटी बोटियाँ बना ली हैं हमने, इस साइज़ की साफ जैसे ले ली है हमने। अब हम इसमें सबसे पहले लगाएंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें लगाएंगे 2 चम्मच लहसुन, जो 2 चम्मच अदरक, 2 टेबलस्पून अदरक। हम ऐसा टेंडराइजर हम इसमें वो लगाएंगे, पपीते का पेस्ट छिलकों समेत हमने इसको पीस के रखा हुआ है पहले से। 1 टेबलस्पून भर के ले लें, है ना? 1 टेबलस्पून काफ़ी होगा यार। हाँ हाँ, नहीं काफ़ी, कड़वा हो जाता है वरना ज़्यादा लगाओ ना। हाँ, पपीते का पेस्ट लिया है। लोग कचरी पाउडर भी डालते हैं लेकिन हम पपीते का पेस्ट लगा रहे हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप लोग कचरी पाउडर डालना चाहते हो कचरी पाउडर भी डाल सकते हैं 1 टेबलस्पून। और 1 टेबलस्पून हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाली है, कुटी हुई मिर्च। इसमें हम 1 टीस्पून डालेंगे धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टीस्पून नमक जाएगा इसमें, 1/2 टीस्पून। और इसमें अब जाएगा दही। दही इसमें एज अ टेंडराइजर काम करेगा क्योंकि दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। हम इसमें दही शामिल करेंगे। 1 प्याला दही, तकरीबन 1 से 1.5 पाव दही हमने इसमें शामिल किया है। हमारे वहाँ ये बहुत आते हैं, ठीक करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, जबकि कुछ भी नहीं करवाना होता हमें। वाकई में इतना शोर होता है, इतना शोर होता है, ये सही बच्चे सोए होते हैं और उसी टाइम आते हैं, चारपाई लगवा लो, पता नहीं क्या क्या यार, पता नहीं। खैर, इनकी भी ये रोजी रोटी है, हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते। अब ये सारे मसाले हम इसमें अच्छे से मैरिनेट कर देंगे ताकि शाम में अच्छे से अब ये मैरिनेट हो जाएं और फिर हम इसको अंगीठी में बनाएंगे। आज हम इसको उसमें नहीं बनाएंगे चूल्हे पे, आज हमारा थोड़ा काम है पकाने का। ये ही ज़्यादा हो जा रहा है ना, ये लड़के करेंगे, ये लड़के करेंगे सारा काम। और शाम में भी दिखाएंगे हम आपको कि ये लोग कैसे बना रहे हैं सीख कबाब पार्टी, टिक्का पार्टी। बकरा ईद और टिक्का पार्टी नहीं है तो हो ही नहीं सकता। मेरे ख्याल से शायद सबके घरों में ही होती है तकरीबन, ऑलमोस्ट जिसके घर में कुर्बानी होती है वो लोग टिक्का पार्टी जरूर करते हैं। हाँ, कल हमारे घर में सब मैके में, आज हम यहाँ का खाएंगे, कल हम वहाँ का खाएंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है मसाला हमारा। अरे वो जीरा पाउडर तो डाला ही नहीं इसमें, बिना कुटा जीरा 1 टीस्पून डाला है हमने इसमें। आप लोग भी बनाए इस तरह की, बहुत मज़े की बनती है, घर के मसाले की ज़्यादा अच्छी लगती है तकरीबन, घर के मसाले की ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी यकीनन बाकर खाने वाला भी आने वाला होगा। ले लें क्या? नहीं भाई, बहुत शोर होता है हमारा घर रोड पे है ना, इसलिए बार बार कोई ना कोई, कोई ना कोई, कोई ना कोई आता ही रहता है। या तो भी कोई नहीं आएगा तो बेल बजती रहेगी। अब ये आ गया, अब वो आ गया,
और आप लोग की ईद कैसी गुजरी? हमारी तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुजरी, बस खाना पकाने में रहे, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा मुझे तो ईद पर। बोरियत नहीं हुई? नई नई डिशेज बना बना के हस्बैंड लोगों को खिलाते रहो और पैसे लेते रहो। इन्होंने मुझे ना, मुझे कल भी पैसे दिए थे और ना मैं सोचा तुम्हें भी पैसे मिले। हाँ मुझे भी मिले। अल्लाह पाक सबकी मोहब्बत ऐसी बरकरार रखे माशाल्लाह से। और कल तो 14 अगस्त भी है। 14 अगस्त भी बहुत बहुत मुबारक सबको एडवांस में, बहुत बहुत 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। माशाल्लाह से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा लॉकडाउन खुल गया। हाँ ये तो बहुत ही, अगर लॉकडाउन होता तो कितना मज़ा नहीं आता। अब इंशाल्लाह कल बहुत मज़ा आएगा और कल का व्लॉग भी बनाएंगे हम, कल भी व्लॉग दिखाएंगे बच्चे किस तरह 14 अगस्त को तैयार हुए माशाल्लाह से। आप लोग हमें दुआ में याद रखिएगा। अभी हम मिलते हैं, दुआ करें बस continue? जो है ना हमारी बोटियाँ अच्छी बने। दुआ करें हमारी टिक्का बोटी अच्छी सबको पसंद आ जाए। और टू बी कंटिन्यू, मिलते हैं सीख कबाब में। अच्छा तो जनाब अब हम बनाने वाले हैं सीख कबाब, आ रहे होंगे हरी। और यहाँ पर अम्मी भी आ गई हैं। हाँ अम्मी आ जाएं अभी। अस्सलाम वालेकुम, आज के कैसे हैं आप लोग? आज की टिक्का पार्टी की अम्मी, हम लोगों ने टिक्का बोटियों को मसाला लगा के रख दिया है, तैयारियां कर रही हैं। हाँ लहसुन, अब हम सीख कबाब के लिए मसाला लगा रहे हैं। पिपली पिंच पिपली जाएगी इसमें, बस अब इसको अच्छे से मैरिनेट कर देंगे। अम्मी कितने बजे तक बनाना शुरू करेंगे हम लोग? जब अब लोग ऑफिस से आ जाएंगे तब। हाँ जल्दी जल्दी। लेट नाइट वाला काम अच्छा नहीं लगता मुझे, बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। सोने का टाइम होता है, हम लोग जाते हैं जब कमरे में चले, हम बेड पे लेटे हैं वैसे। हमारे घर वालों को मगरिब के बाद खाना खाने की आदत है। खाना रेडी ना मिले तो फिर अब ही होते, कितना टाइम है, कितना टाइम है। अच्छे से ये मैरिनेट हो गया है और इसको जितना ली। वालेकुम अस्सलाम। अली बोल दो लाइक करें, शेयर करें, शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट भी करें। बोलो सब्सक्राइब भी करें, बटन पे दबाएं, दबन 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 पे दबाएं। अली कह रहे हैं दबन भी दबाएं भाई। और देखो इस तरह से अम्मी, देखें इस तरह से करेंगे तो देखें इस तरह हाथ में लगना चाहिए ना कीमा, रेशे कीमे के, तभी जाके मतलब अच्छे से घूम दें। कॉर्नफ्लोर ऐड करना मैं भूल गई थी, अब इसमें कॉर्नफ्लोर हम 8 बजे इसको सीखों पर लगाना शुरू करेंगे। तो कितना घंटे होगा, 3 घंटे होगा, 2-3 घंटे, अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा हमारा ये। चलें फिर मिलते हैं, टू बी कंटिन्यू। अब हम मिलेंगे, हमारे वीडियो को पूरा देखें। हाँ अब हम मिलेंगे आपको शाम में सीको और अंगेठी के साथ। अल्लाह हाफिज़। हमने सलाखों में सारी बोटियाँ लगा दी हैं, टिक्का बोटियाँ। अभी हमने सीख कबाब नहीं लगाए हैं, अभी पहले हम इसको, अभी तो अंगीठी भी नहीं लगी है ऊपर, अंगीठी जलाएंगे उसके बाद जाएँ भी घर के लड़के अब सारे ऊपर जाएँ और काम करके आएँ। और ये चार काम खत्म। एक हमने रायता बनाया है, ये रायता है, ये स्वीट चिली सॉस है, ये पुदीने की चटनी है, पुदीने और इमली की चटनी, और ये डीप मायो सॉस है। तैयारी आधी हो गई है बस, ये बनेंगे तो फिर खाएंगे। लगाएंगे ये लोग तो उसके बाद हम शुरू करते हैं ऊपर जाते हैं। कोयले जल गए हैं हमारे, अब हम इस पर सीके लगाना शुरू करेंगे। इसमें सीके लगाने, सीके रख दी हमने सारी, अब ये बन जाएंगी तो फिर हम आपको दिखाएंगे दोबारा से। अली अंगीठी के पास आ रहा है ना, इसलिए मैंने अली को हटाया है, जब ही हो रहा है। अच्छा अली आप कुछ नहीं करो, आप यहाँ पे आके बैठो जल्दी से मेरे पास, वहाँ घुटा है देखो आप जल्दी। टिक्का बोटी रेडी है, बिल्कुल रेडी है। टिक्का बोटी कंप्लीट हो गई है, अब हम सीख कबाब स्टार्ट करें।
सॉरी हम लोग आपको सीख कबाब की और दस्तरखान की तस्वीर और वीडियो नहीं दिखा सके, शेयर नहीं कर सके, क्योंकि हमारे घर पर गेस्ट आ गए थे, इसलिए जल्दी जल्दी में हमें वीडियो ऑफ करनी पड़ी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।